सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रेट गेन ट्रबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ में पहले दिन तक कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 7 दिसंबर 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो जरूर करें, जहां पर न्यूज अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, इस आईपीओ के पहले दिन का सब्सक्रिप्शन सामने आ चुका है। तो पहले दिन तक अगर बात करें तो यह आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 0 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। वहीं एनआईए कैटेगरी में इसमें 0.03 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। देखिए, इन दोनों ही कैटेगरीज में कुछ खास रिस्पॉन्स यहां पर देखने को नहीं मिला है। और देखिए, वैसे कहा जाता है कि इन दोनों ही कैटेगरीज में लास्ट यानी तीसरे दिन ही ज्यादातर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। तो देखने वाली बात होगी कि कितना सब्सक्राइब होता है। रिटेल कैटेगरी में बात करें तो 1.84 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉय की बात करें तो 0.32 टाइम्स इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। वहीं ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो मात्र 0.34 टाइम्स ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। तो यानी कि पहले दिन के हिसाब से थोड़ा सा कम यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। केवल रिटेल कैटेगरी में ही यहां पर ये पूरा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। अगर प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन प्रीमियम मात्र 60 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 425 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 60 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 485 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इसका प्रीमियम 120 रुपए के आसपास हुआ करता था और यह प्रीमियम मार्केट के प्रेशर के कारण बहुत ज्यादा कम हो गया है। कल के दिन प्रीमियम और ज्यादा कम था, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे यह किस तरीके से रिएक्ट करता है। कंपनी की बात करें तो कंपनी देखिए ठीक ठाक कंपनी है। बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि इसमें डबल लिस्टिंग गेन हो जाए, और ऐसा भी कंपनी नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी लिस्टिंग गेन ना मिले। देखिए, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट थोड़ा सा खराब रहा तो निश्चित रूप से यहां पर कम पर लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर मार्केट ठीक हो जाए ना तो यहां पर करीब 25-30% के आसपास लिस्टिंग गेन आपको आराम से मिलता हुआ नजर आना चाहिए। तो सारी चीजें मार्केट के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे आपने टारसंस प्रोडक्ट में भी देखा था कि अच्छा खासा प्रीमियम यानी 20-30% का प्रीमियम बता रहा था, लेकिन 3% पर वो लिस्ट हुआ था। वैसे ये आईपीओ है, मार्केट के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेगा। तो लिस्टिंग गेन यहां पर 20-25% 30% के आसपास मिलने की संभावना है। अगर मार्केट ठीक ठाक रहा तो आप अपने रिस्क पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। रिस्क यानी थोड़ा सा रिस्क रहेगा, मार्केट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो आपको यहां पर थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। तो ये आपको मन में बात रखनी है, उसके बाद ही इसमें अप्लाई करने के बारे में सोचना है। तो देखिए, अभी तो पहला दिन है, पहले दिन के हिसाब से कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। दूसरे दिन का वेट करेंगे और तीसरे दिन हम फैसला लेंगे कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। बाकी यही है कि आप रिस्क के साथ अप्लाई करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।